तो हेलो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमोन व्हाइट वर्जन गेम को। तो बिना किसी देरी के गेम शुरू करते हैं, तो आगे चलते हैं। क्योंकि तो पिछले एपिसोड में हमारा टेपी की बोल हो गया था और हमने पीडोब को भी पकड़ लिया था। आज आगे चलते हैं, अगली शहर के जिम लीडर को हरा के आते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ है वो, तो यहाँ पे पोके बोल है। ये कौन सा पढ़ लियो ना है। ओके ओके, तो आगे चल के पोके बोल लेते हैं, देखते हैं क्या निकल रहा है। ओके, तो पोके बोल में ग्रेट बॉल निकली है। अब चलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये फाइट करेगी। इट्स बेस्ट टू यूज व्हाट यू हैव लर्न्ड इन ऑर्डर टू मास्टर इट। ओके, तो ये बैटल कर रही है। ओके, तो मैंने इसे हरा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बाद कोई खास पोकेमोन नहीं था, वही पुराने पैटर्न दो पल्लियों थे। ओके, तो एक और ट्रेन बैटल। ओके, तो मैंने इसे भी हरा दिया है। इसके बाद स्पीडो और रोली, एक और छोटा सा पत्थर वाला पोकेमोन आता है, वो था, उसका नाम तो मैं भूल गया। पढ़ लिया इस फोन में, और उससे बैटल करते समय हमारा फेंसेज भी लेवलअप हो गया और हमारा पीडो भी लेवलअप हो गया। ओके, तो देखते हैं इस पोकेबॉल में क्या है। ओके, तो अवेकिंग मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, शेरन कम विथ मी ए सेकेंड। देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं। इफ यू गो स्ट्रेंथ फॉर ईयर दियर से पोकेमोन सेंटर एंड यूज दिस इफ यू वेंट। इसने चेस्ट ऑफ बेरीज दिए। शेरन गिव योर पोकेमोन ए चेस्ट ऑफ बेरी टू होल्ड देम इफ इट ever falls asleep it will woke up immediately. Oh, and other piece of advice, nature and city gym leader use normal type. If you have fighting type pokemon it might give you a big advantage. Okay, तो यहाँ पे normal type gym है, इसके लिए हमारा टैपिक मतलब पिगनाइट है। ओके, तो मैं हील करा लेता हूँ पहले। ओके, तो बस जल्दी से हील कर दिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे जिम लीडर को हराने। ओके, देखते हैं क्या करिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे जिम है कहाँ? ओके, यहाँ से रास्ता बंद है, आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं। ओके, मुझे लगता है यही जिम है। ओके, तो ये जिम है, इसका जिम लीडर है लेनोरा। ओके, जिम को रहने के लिए चलते हैं। ओ, ये कौन है? एन, आई वॉन्ट टू सी थिंग्स नो वन कैन सी यू सी। कैन यू सी द ट्रिप ऑफ पोकेमोन इन साइड द पोकेबॉल, द आइडिया ऑफ हाउ ट्रेनर शुड बी एंड ए फ्यूचर वी आर पोकेमोन है बिकम परफेक्ट। डूड फील द सेम? यस, एंड दैट सो आई थिंक माई फ्रेंड एंड आई शुड टेस्ट यू टू सी इफ यू कैन सी दिस फ्यूचर टू। ओके, तो हमें एन से बैटल करनी होगी जिम लीडर को रहने से पहले। चलो करते हैं इनसे बैटल। ओके, तो इसने पीडब निकाला है। ओके यार, इसका पीडो लेवल 13 का है। अपना पोकेमोन चेंज करता हूँ, पिगनाइट को निकालता हूँ। मेरे पोकेमोन का लेवल बहुत कम है, मैं अगले एपिसोड में इनका लेवल बढ़ा लूँगा।
ओके तो इसने डिफेंस फेल कर दिया है। हम करते हैं फ्लेम चार्ज। ओके ओ भाई वन हिट कर दिया वाप इग्नाइट। ओके 103 एक्सपीरियंस मिला है। 15 पोल को भेज रहे हैं। ओके तो मैं स्विच कर लेता हूँ पोकेमोन को। मैं अपने पेंसिल भी निकाल लेता हूँ। ओके ओके तो और हाँ हमारे हमारे पेंसिल लिरसीड भी सीख गए हैं। ओके तो ये सुपर इफेक्टिव इसकी येलो तो कर दी हेल्थ। बस एक हिट और ये चला जाएगा। ओके एक वाइन भी फोर करते हैं। ओके तो हमने इसे भी हरा दिया है टेनी पोल को। 188 मिला है एक्सपीरियंस। टिम्बर को निकाल रहे हैं। ओके तो मैं चेंज नहीं करता पोकेमोन। ओके तो इस पर घोस्ट टाइप ट्राई करता हूँ। ओके तो कुछ नहीं हुआ इसमें, बस ये पैरालाइज हो गया और हेल्थ तो कुछ ज़्यादा नहीं गई और इसने डिफेंस और फेल कर दिया हमारा। ओके तो वाइन भी ट्राई करते हैं। ओके तो ये भी कुछ इसका ज़्यादा नहीं उखाड़ रही। ओके कट ट्राई करते हैं। ये देखते कितनी हेल्थ का लेता है इसकी, क्योंकि तो इसने भी ज़्यादा नहीं ली। ओ भाई इसने एक में ही येलो कर दी। अगर मैं पहले लीच सीड्स कर देता हूँ जिससे हमारी हेल्थ थोड़ी बढ़ती रहे और इसकी हेल्थ थोड़ी घटती रहे। ओके तो इसने फिर से लोग किए और इस पर साइज फेंट हो जाएगा। ओके तो पेंसिल फेंट हो गया है। ओके तो मैं पीडो को निकालता हूँ इसके लिए। ओके तो गस्ट करते हैं, ये सुपर इफेक्टिव रहता है इसके ऊपर। सर से वन हिट हो जाए। ओके तो नहीं हुआ, रेड पे आके रुक गई। चलो अच्छा हुआ ये पैरालाइज है। ओके तो एक एचपी पे रह गए। क्विक अटैक करते हैं। ओके तो हमने टिम्बर को भी फेंट कर दिया है। 238 एक्सपीरियंस मिला इसी के साथ। हमारा पीडो लेवल अप हो गया है। ओके तो हमने ट्रेनर को भी हरा दिया है। 1300 पॉकेट डॉलर। ओके मे बी आई कैन सॉल्व इक्वेशन दैट विल चेंज द वर्ल्ड सो आई नीड पावर आउट टू मेक एनीवन एंग्री विथ मी अग्री विथ मी। ओके तो एन चला गया। नाउ आई नो व्हाट पावर आई नीड रिशरम द लीजेंडरी पोकेमोन दैट अलोंग विथ द हीरो क्रिएटेड द यूनोवा रीजन इट्स माय टर्न टू बिकम दैट हीरो एंड यू एंड आई विल बी फ्रेंड्स। ओके तो लीजेंडरी पोकेमोन रेशरम की बात कर रहा है। और ये पहले हील करा लेता हूँ, उसके बाद हम हराने जाते हैं जिम लीडर को। ओके नट्स जोए जल्दी से हील करो, जल्दी जल्दी हील करो पोकेमोन को। ओके तो अब चलते हैं यहाँ से जिम लीडर को हराने। ओके ओके तो हम जिम के अंदर आ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ म्यूजियम टाइप का सा है। वाह व्हेनेवर आई लुक एट दिस स्केलेटन आई एम फैसिनेटेड। ये किसका स्केलेटन है? ड्रैगनाइट्स का सा लग रहा है। वेलकम आई एम हाउस द असिस्टेंट डायरेक्टर सिंस यू वेयर काइंड आउट टू विजिट आई विल गिव यू ए टूर ऑफ द म्यूजियम। ओके तो म्यूजियम ही है। द स्केलेटन इज ऑफ ए ड्रैगन टाइप पोकेमोन। ये कुछ कुछ ड्रैगन टाइप ड्रैगनाइट जैसा लग रहा है।
There are theory that it had accident while it was flying around the world and saw it because a fossil. Okay. The rock amazing is meteorite. It contains some kind of energy from space. Okay, they कह रहे हैं space से आया हुआ. Oh, this is a ordinary old stone. It was found near desert, but other than the fact that it is old, it doesn't seem to have any value. We only display it because it is rather pretty at look at. अरे भाई जिम लीडर के पास ले जा जल्दी से, ये फालतू बकवास नहीं करनी हमें. द पोकेमोन जिम इज जस्ट बियॉन्ड हियर. ओके, द म्यूजियम के आगे ही है पोकेमोन जिम. एट द एंड ऑफ द जिम ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काइंड जिम लीडर इज वेटिंग. बाय द वे द जिम लीडर लेनोरा हैपेंस टू बी माय वाइफ. ओके, द लेनोरा इसकी वाइफ है. हम आगे चलते हैं क्योंकि तो बुढ़ा, देखते हैं क्या कह रहा है. ए पोकेमोन जिम वियर ए लीडर वेट्स फॉर ए चैलेंजर एट द बैक ऑफ ए म्यूजियम. इट हैज़ अ ग्रेट एटम शेयर डजेंट इट, सो आई विल गिव दिस यू टू यू. ओके, तो इसने फ्रेश वाटर दिया हमें. ये 50 HP बढ़ाता है. पार्टनर्स इन द जिम यूज नॉर्मल टाइप पोकेमोन. ओके, ये पता है. ओके, जल्दी से बस कर जाए. ओके, तो बुढ़ाओ ने अपनी बात खत्म कर दी है. अब आगे चलते हैं. ओके, तो ट्रेनर बैटल. ओके, तो हमने इसे हरा दिया है. अब आगे चलते हैं. शायद से एक ही ट्रेनर है. ओके, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है. ओ, आर यू लुकिंग फॉर ए बुक? आई थिंक नाइस मीट यू पोकेमोन सो ऑन ए सेल्फ नियर द एटर्नीज. ओके, शायद से हमें इसे बुक लग के देनी है जिसका नाम है नाइस टू मीट यू पोकेमोन. नाइस टू मीट यू सही है, चिल्ड्रंस बुक. नाइस टू मीट यू पोकेमोन. ओके, तो ये रही. ओके, बिटवीन द पेजेस पोकेमोन ट्रेनर्स. आई एम द जिम लीडर लेनोरा. आई हाइड 4 मेमोस ऑफ दिस लाइब्रेरी. ईच ऑफ देम क्वेश्चन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कम फाइंड मी. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन पूछी गई उसके बाद हम जिम लीडर को हरा सकते हैं. वाट इज द फर्स्ट पोकेमोन यू मीट इन द जिम? ओके, तो This is hint poke shelf in the middle row. Now try to find it. Patriot था शायद से. शायद से Patriot ही था. Okay. अगर इससे बात करके देखते हैं. इसकी बुक तो हमने ढूंढ ली थी. Hello trainer, we have found already you are looking for book about Pokemon. That he in fact I are also reading a book about Pokemon. It's about Tepig. Okay, तो हमने Tepig को नहीं मिले थे. No. Okay. What was the Pokemon battle at the entrance of the gym? The hint of the bookshelf of the left. Okay, तो उसको तो हमने सॉल्व कर दिया है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. Glory of Patriot. Yes. मुझे तो ये मिल गया क्वेश्चन. फ्लेम बर्न इनसाइड इट्स बॉडी एंड इट गिव्स ऑफ स्मोक फॉर इट्स हेड व्हील. व्हाट इज दिस बुक? द हिंट इज समबडी मे बी रीडिंग इट. ओके, तो
अब किससे बात करनी है, अब सर इससे बात करनी है। ओके आई सी, ओ डिड यू फाइंड द मेमो एंड कम हेयर टू लुक फॉर दिस बुक? व्हाट डज इट मेमो से? फ्लेम बर्न इन साइड बॉडी और दे वही है लुक। ओके तो मैं इसका आंसर करता हूँ, यस ओ दैट इज करेक्ट। ओके तो हमने सही आंसर दिया है। ओके तो ये क्या हो रहा है? आर यू चैलेंज द साइंटिस्ट नो मी? ओके तो ट्रेनर बैटल हैरी डियर। ओके ये लिली पॉप का इवोल्यूशन है शायद से, देखने में तो वैसे लग रहा है नॉर्मल टाइप। ओके तो मैं पोकेमॉन स्विच करता हूँ और फिर पिग्नाइट को निकालता हूँ। ओके तो ये लेवल 17 का है। ट्रेनर के पास इतने हाई लेवल के पोकेमॉन है तो जिम लीडर के पास कम से कम 20 की होगी शायद से। ओके तो आर्म थ्रस्ट करते हैं। देख रहे हो भाई, मतलब सुपर इफेक्टिव होने के बाद कितनी कम डैमेज दे रहे हैं। ओके तो फिर से आर्म थ्रस्ट करते हैं। ओके तो एक बार और करना पड़ेगा उसके बाद ही फाइंड हो जाएगा। ओके आर्म थ्रस्ट फिर से इग्नाइट। ओके तो हमने इसे भी हरा दिए और हमारा पिग्नाइट लेवल 19 का हो गया है और पीडो लेवल 15 का। ओके तो पीडो ने एयर कटर सीख लिया जो बहुत ही अच्छा फ्लाइंग टाइप मूव है। ओके तो मैं किस मूव को छोड़ूँ, ग्रोवल को छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं इसका ज़्यादा यूज नहीं करता। ओके तो हमारे पीडो ने एयर कटर सीख लिया है और हमने इस ट्रेनर को हरा दिया। अब चलते हैं जिम लीडर को हराने। Return a book off shelf after reading. This is a rule when you read a book. Okay, the ये कह रहा है इस बुक को पढ़ो। This is the bookshelf of general students. The statue of Lekoman. Do you want to read it? Yes. This book is about Lekoman. Okay, the book पढ़ लिया। Okay, तो ये हमारे काम की चीज़ आ गई। There is a memo on the back cover. It's impressive you found this place. That's why I didn't expect from a challenger like you. Well, this is the third question. Okay, the question over hai. If you hit it up in a port, it will be disaster. What is this? Take it bookshelf closure entrance then here. Okay, so ye entrance ke paas jaane ke liye gaya. तो सर इससे बात करनी है। हे यू आर ऑलरेडी फाउंड द थर्ड मेमो, प्रीटी गुड। सो व्हाट डज द मेमो से? इफ यू हेट यू विश हुई कैसे मैं यस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके ऐसे इस बुक को लेके देखना है, इसको ट्राई करते हैं। चिल्ड्रन बुक यस। ओके तो देखते हैं क्या करना है। ओके इसमें भी कुछ मिला है। ओके तो इसमें अगला क्वेश्चन मिला है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम जी लीडर को हरा सकते हैं। फ्रॉम ऑफ दिस बुक सेल्फ मूव बैकवर्ड मूव वन ऑफ द लेफ्ट मूव द फॉरवर्ड मूव वन टू राइट एंड मूव वन बैकवर्ड। नाउ वेर इज द हिंट फाइंड बाई योर सेल्फ।
ओके तो अब आगे चलते हैं। अब शायद उसी लड़की से फिर से बात करनी है। ओके इससे बात करके देखते हैं, कहती है आई एम वंडरिंग डिड यू सी द लास्ट मेमो एंड कमिट कम टू मी। ओके आई विल गिव यू द लास्ट क्वेश्चन, कैन यू चैलेंज द जिम लीडर इफ यू विन अगेंस्ट मी। यस तो ही दैट्स करेक्ट, विल हियर वी गो ट्रेनर। ओके तो इससे हमें बैटल करनी है, एक और ट्रेनर बैटल। इसके बाद शायद से हम जिम लीडर को पहरा पाए। ओके तो इसके पास तीन पोकेमोन है, पहला है लिलीपप। ओके ओके तो हमने इसे हरा दिए। आई विल मीट द जिम लीडर सून, दिस इज द बुक लास्ट, नाउ रीड यू लास्ट बुक। ओके तो कह रहे इस लास्ट बुक को पढ़ने के बाद तुम जिम लीडर से मिल सकते हो। बुक सेल पोकेमोन बायोलॉजी ऑफ टेपिक। ओके ओके तो मिल गया हिंट, देर इज द मेमो बिटवीन द पेजेस, यू मेज टू गेट हियर विल डन द सेम विद द विजडम एज विल स्ट्रेंथ, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर बैटल जिम लीडर लेनोरा क्लिक, देर इज ए स्विच अंडर द बुक। इस बुक के अंदर एक स्विच था, उसे दबाने से ये सेफ यहाँ से वहाँ से रख रहा है। तो इसके नीचे कुछ है। ओके तो यहाँ पे स्टेयर्स है, वो नीचे है लेनोरा। वाओ ए हिडन स्टेयरकेस। ओके तो चलते हैं जिम लीडर लेनोरा को हराने। मैंने अपने पोकेमोन को हील विल भी कर लिया है। ओके तो सामने लेनोरा है। ओके तो चलते हैं। वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स म्यूजियम एंड द नेचरस जिम लीडर, इट्स मी लेनोरा। वेल देन चैलेंजर, आई एम गोइंग टू रिसर्च, हैव यू बैटल विद मी विद द पोकेमोन यू लॉन्गली राइज्ड। ओके तो हम लेनोरा से बैटल कर रहे हैं अपनी सेकेंडरी मैच के लिए। अगर तो देखते हैं इसके बाद कौन सा पोकेमोन। ओके तो इसके बाद हेडियर है। ओके इसने अटैक फेल करती है, आते ही हमारे पोकेमोन को स्विच कर लेता हूँ। अभी तो हमने पिगनाइट को निकाल लिया है। ओके इसने डिफेंस और फेल कर दिया, हम आर्म थ्रस्ट करते हैं इससे सारी वन हिट हो जाए। ओके तो नहीं होगा, ये शायद हो भी सकता है। ओके तो थोड़ा सा रह गया ये अगले अटैक से चला जाएगा, और इसने फिर से डिफेंस फेल कर दिया। ओके इस बार टैकल करते हैं। ओ यार सुपर पोजिशन कर दिया, मुझे फिर से आर्म थ्रस्ट ही करना चाहिए था। ओके अब तो कर लिया है, अब आर्म थ्रस्ट करते हैं। ओके वन टू थ्री एंड फोर। ओके हेड ईयर को फेंट कर दिया हमने। ओके वेचो निकाल रही है। ओके
ये पैट्रेट का इवोल्यूशन लग रहा है। इस पर आर्म थ्रस्ट करते हैं, देश ने लीड किया है और डिफेंस फेल कर दिया। इंडिया जी कितना डिफेंस फेल करेंगे? ओके, तो इसकी ज़्यादा एचपी नहीं जा रही। ओके, तो अच्छा वाला लास्ट वाला क्रिटिकल लग गया, इसलिए हमने इसे एक अटैक में फेंट कर दिया और हमारे पिक नाइट लेवल अप हो गया है, लेवल 20 का हो गया। अब स्मोक को निकाल दिया, डिटेक्टेड एंड रिप्लेस विथ स्मोक। ओके, तो हमें हमारे पिक नाइट स्मोक अटैक से ही रहे। ओके, देखता हूँ मैं इसे सीखाऊँ या नहीं सीखाऊँ। ओके, पॉइजन टाइप है, एम्बर की जगह सिखा देता हूँ। वैसे भी ऑलरेडी हमें फायर टाइप के लिए फ्लेम चार्ज है और एक हमारे पास पॉइजन टाइप अटैक हो जाएगा। ओके, तो हमारे पिक नाइट स्मोक सीख लिया है। ओके, तो हमने लेनोरा को हरा दिया है और इसी के साथ हमें मिल गया है दूसरा जिम बैच। ओके, जिम बैच इसके अंदर जाएगा। वैसे ये एनिमेशन कितना कूल लगता है। सुमी रिसीव द बेसिक जिम बेसिक बैच। ओके, तो ये कह दिया अगली बार लेवल 30 का करना जी होना चाहिए तुम्हारे पास में अगली जिम करने। और इन टीम दिया 67 डिटेल 8। ओके ठीक डियर। ओके, देखो कौन है हाउस डियर कम क्विकली टीम प्लाज्मा आई थिएटिंग टू स्टील सम बोन्स। व्हाट्स गोइंग ऑन सुमित यू कम टू। ओके, तो यहाँ पे टीम प्लाज्मा है और लेनोरा ने हमें बुलाया मदद करने के लिए। चलते हैं, ओके लेनोरा नाउ यू वेट आउट फॉलिंग अराउंड टीम प्लाज्मा सो यू बिकम जिम लीडर वी टीम प्लाज्मा क्लेम म्यूजियम ड्रैगन स्कल इन द नेम ऑफ पोकेमोन लिबरेशन। वो तो कह रही है इसको चुरा के ले जाए टीम प्लाज्मा टू शो वी आर सीरियस वी आर स्टिल राइट बिफोर यू राइस। टीम प्लाज्मा व्हील देन हियर्स पोकेमोन स्मोक स्क्रीम। ओके, तो इसने पोकेमोन स्मोक स्क्रीन कराया और इसने इस पोकेमोन का हेड चुरा लिया टीम प्लाज्मा ने। लेनोरा व्हाट्स गोइंग ऑन, लेनोरा उनका पीछा कर रही है। हेड्स ओहो वी वेंट टू गो आफ्टर डैम। ओके, शायद हमें उनसे लेके आना है वो। ओके गुड डे लेनोरा फाइंड द गोल्ड फोशल लेटली। लेनोरा दिस इज द सरप्राइज विजिट आर यू सफरिंग फ्रॉम द आर्टिस्ट ऑफ अ ब्लॉक अगेन। सुमित दिस इज द वर्क ही हैव नॉट लाइक इट बट ही इज कैस्टली सिटी जिम लीडर जस्ट लुकिंग फॉर ए चेंज आर टेक समथिंग अराउंड हियर। ओके, तो ये अगले शहर का जिम लीडर है। सुमन वॉल्कड अवे विद एन एक्सिबिट दैट्स व्हाट्सअप। ओके, तो बियांसा आ गई है यहाँ पे। बियांसा ओ आई सुमित व्हाट आर एवरीबॉडी डूइंग हियर। और शेरन भी आ गया। शेरन सुमित इज हियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू नो एंड दिस टू आर योर फ्रेंड्स बियांसा एंड शेरन ओ आई सी दे आर ट्रेनर्स। ओके, देन लेट्स स्प्लिट अप एंड सर्च आई विल हेड दिस वे एवरीवन। शेरन एंड बियांसा आई वेंट टू स्टे हियर एट द म्यूजियम एंड सुमित यू टू सर्च पोलिवे फॉरेस्ट गोट इट बोग यू शो देम काउंटिंग ऑन योर एवरीवेयर। सुमित यू आर सुमित इज इट आर यू रेडिंग टू राउंड अप और रोवर्स। बियांसा ओहो सुमित टेक दिस विथ यू फेनल गेव ए ऑन डोजिंग मशीन टू गिव यू। ओके, तो इसने कुछ मशीन दिए डाउजिंग मशीन में डाउजिंग मैच दिया इसे।
नाउ दैट यू टेल विथ विथ इसका यूज दिखाई है शेरन 4 आवर नीड टू डू दिस प्रोटेक्ट द म्यूजियम राइट व्यंजा है सुम वेट फॉर मी ओके देखिए तो यहाँ पे म्यूजियम की रखवाली करेंगे और हमें उनसे वो वोशल लेके आना है तो ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन मिलते हैं अगली वीडियो में।